कपाल धारिणी नमो तारे नमो तारे श्रीरक्त तारे नमो श्रीरक्त तारे नमो। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आज बहुत ही जरूरी मंत्र आप लोगों को देने वाला हूँ। ये मंत्र आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसको कैसे सिद्ध किया जाए सबसे सहज तरीके से, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैंने आपको माँ तारा का एक मंत्र पिछले शनिवार या तो शुक्रवार को दिया था, वो था नील तारा का मंत्र, जो कि सरस्वती का मंत्र है। माँ तारा दस महाविद्या जो है अपना, उसमें दूसरे नंबर पे आती है, मतलब दूसरी महाविद्या जो है वो माँ तारा है। माँ तारा काफी उग्र हैं, उग्र इसलिए थी क्योंकि जो मुनि इनको लाए थे उनसे इन्होंने बोला था कि देखिए, माँ तारा की पूजा तिब्बत में ज्यादा होती है, मतलब बुद्धिस्ट लोग माँ तारा की पूजा ज्यादा करते हैं। बुद्धिस्ट का जो तंत्र है वो बिल्कुल ही नाथ संप्रदाय वाला तंत्र है, जो नाथों में जिन देवी देवताओं और जिन चीजों का प्रयोग होता है, जैसे माँ तारा का हम लोग पूजा करते हैं या फिर वज्र महावज्र होता है हम लोगों में, तो तिब्बत का जो तंत्र है, जो बुद्धिस्ट का तंत्र जिसको बहुत मजबूत माना जाता है, वो बेसिकली नवनाथों का तंत्र है। उसमें भी कानिफनाथ गोरक्षनाथ सभी आते हैं। तो माँ तारा का बहुत ही सुंदर आप स्वरूप देखिएगा, जो बुद्धिस्ट पूजा करते हैं माँ तारा का, नील तारा का, रक्त तारा का, लेकिन हमारे यहाँ माँ काला काली माँ तारा जो है वो काली के रूप में है, क्योंकि कहते हैं जो मुनि इनको लेकर के आए थे उनसे इन्होंने गुप्त रखने का सारे विषयों को बोला था, लेकिन उन मुनि ने अपने धर्मपत्नी को बता दिया, जिससे देवी क्रोधित हो गई और शमशानी हो गई, जिनका रूप हम देख सकते हैं तारापीठ में, सिंहभूम में, नहीं नहीं तारापीठ बंगाल में। तारापीठ के अलावा तारा जहाँ सबसे पहले विराजी थी वो जगह अभी भी है बिहार में, वहाँ पे अभी भी जो डाकिनी साधनाएं होती हैं, अगर आप नवरात्र में वहाँ जाइएगा तो नवरात्र के शाम में बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है कि लोग सारे देख रहे हैं, जिनको डाइन सिद्धि करनी है वो वहाँ बैठी रहती हैं औरतें, और पंडित जो है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा और दिया बना करके अपने हाथ से उल्टे तरफ फेंकता है, पीछे की तरफ फेंकता है, और जिस भी डाइन ने उसको पकड़ लिया बिना तोड़े उसकी साधना हो जाती है, और जिसका टूट गया उसकी साधना नहीं हो पाती है। तो ये जो है ये माँ तारा की महिमा है, माँ तारा का मतलब कितना इम्पोर्टेंस रखता है माँ तारा हमारी साधनाओं में, माँ तारा कितनी इम्पोर्टेंट है, ये बताने के लिए मैंने आपको ये कथा बताया। ठीक है, आते हैं अब दस महाविद्या पे। देखो, दस महाविद्या की साधना की बहुत सारे विधियाँ हैं, ठीक है, और दस महाविद्या बोला जाता है कि सबसे मजबूत तंत्र है अपने जितनी भी तांत्रिक प्रक्रिया है, तो जिसने काली सिद्ध कर रखी है वो काली रखे, और तारा को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है, मतलब जितनी भी दस महाविद्या हैं उसमें जो सबसे आसानी से कोई प्रसन्न होती हैं तो वो भगवती तारा ही हैं। ठीक है, आपने उनकी कहानियाँ भी सुनी होंगी कि जिस तरह से दक्षिणेश्वर काली में काली खाती थी अपने भक्त के हाथ से, वैसे माँ तारा भी खाती हैं अपने भक्त के हाथ से। अब इसमें एक विषय है कि तारा की पूजा कैसे करें, बहुत कम लोग जानते हैं कि तारा की पूजा कैसे करते हैं। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर घर में तारा की पूजा कर रहे हो तो तारा का विग्रह नहीं बैठा सकते। देखो, काली का विग्रह बैठा सकते हैं, मूर्ति बैठा सकते हैं कि नहीं, इस पे मेरा द्वंद है और लोगों से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप घर में काली की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, काली का स्वरूप अलग होगा, लेकिन काली की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं और उसकी पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन तारा में बिल्कुल अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि स्ट्रिक्ट नो है कि आप उसकी प्रतिमा को नहीं रख सकते। आज के डेट में बहुत जगह तारा माँ तारा का मंदिर बना हुआ है, वो भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है मैं बताता हूँ। तारा के मूर्ति को बैठाने का सबसे बड़ा जो नियम है कि तारा खाली स्थान पर नहीं बैठती है। हाँ, आप अब बोलोगे कि हाँ पता है तारा श्मशान में बैठती नहीं, तारा श्मशान में भी जरूरी नहीं है बैठे,
तारा की मूर्ति को बैठाने के लिए जो सबसे बड़ा विधान है कि तारा जब भी बैठेगी वो किसी ना किसी ब्राह्मण के समाधि पर बैठेगी। ठीक है, जिस जमीन पर तारा की मूर्ति की स्थापना होगी वहां पे किसी ना किसी ब्राह्मण की समाधि होनी चाहिए। तो पहली बात, ब्राह्मणों में समाधि दी नहीं जाती, तो अगर कोई साधक ब्राह्मण हो जो कि मरे उसकी समाधि लगे तो उसके ऊपर तारा का की मूर्ति का आप स्थापना कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अनकॉमन चीज है। इसलिए तारापीठ में एक है, आ हमें और आपको अगर तारा की पूजा करनी है तो तारा का हमें फोटो रखना चाहिए घर में। माँ की फोटो रख के अपने जितना भक्ति भाव आपको माँ का माँ को दिखाना है दिखा लो। तारा को अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, भोग इनको वही लगेगा जो आप खाओगे, और इनकी पूजा बिल्कुल ही माँ काली की तरह ही होती है। ठीक है, अब आता है 10 महाविद्या में तारा साधना। 10 महाविद्या में देखिए, कोई भी महाविद्या का जो मंत्र होता है वो काफी लंबा होता है, उसमें भी बीज अक्षर होते हैं, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ोगे बीज मंत्र को, मतलब पूरा 10 विद्या का मंत्र पढ़ोगे तभी जो है उसकी सारी आपको सिद्धियां मिलती हैं। अभी मैं आपको तारा का मंत्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा मंत्र है, और अभी से लेकर के अब जो चैत्र नवरात्र आ रहा है उससे पहले आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है कि आप रोज संध्या के समय जब पूजा करोगे तो माँ का पूजा करके उनको पुष्प चढ़ाओ, उनको वस्त्र चढ़ाओ, उनको फल चढ़ाओ, उनको फूल चढ़ाओ, उनको मिठाइयाँ चढ़ाओ, उनको उनका श्रृंगार करो, दीप दो, क्या कहते हैं, धूप दो, अगरबत्ती दो। इतना करने के बाद आपको इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है। अभी इतना पहले मैं मंत्र इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब तक तारा जब तक नवरात्र ना आए तब तक आप इस मंत्र को याद कर लो। देखो, अगर बिना याद किए आप पढ़ करके इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको पूरा शाम लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसे हम लोगों को ये मंत्र याद है, याद है मतलब 108 माला, 1 मिनट 1 माला लगभग लगता है, सॉरी एक एक गन्ना करने में हमको 1 मिनट लगता है, और 108 पूरा 1 माला करने के लिए 108 मिनट हमें लगेगा। ठीक है, तो अभी मंत्र सुनो, और जिसको चाहिए होगा वो मुझे कॉल करना, मैं आपको मंत्र लिखवा भी दूंगा। मंत्र है, जय तारा माँ, ओम आदि योग अनादि माया, जहाँ पर ब्रह्मांड उत्पन्न भया ब्रह्मांड समाया, आकाश मंडल तारा त्रिकुटा तोतला माता, तीनों वसे ब्रह्म कपाली, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति, सूरज मुख तपे चंद्र मुख अमिरस पीवे, अग्नि मुख जले आठ कुवारी, हाथ खड़क गले मुंडमाल, मुर्दा मार ऊपर खड़ी देवी तारा, नीली काया पीली जटा, कलित दंत जिह्वा दबाया, घोर तारा अघोर तारा, दूध पूत का भंडार भरा, पंचमुख करे हाहाकार, डाकनी शाकनी भूत पलीता, सौ सौ कोस दूर भगाया, चंडी तारा फिरे ब्रह्मांडी, तुम तो 3 लोक की जननी, ओम रिम श्रिम फट, ओम ऐन ह्रीम हूं फट। ये माँ तारा का पूरा मंत्र है, इसको आप लोग नवरात्र से पहले याद कर ले, चैती नवरात्र से पहले, और हर शाम जब आप संध्या की पूजा करेंगे, संध्या पूजा के पहले आप इस मंत्र को, संध्या पूजा के बाद माँ का, अच्छा माँ का एक और है, माँ का पद जब अगर आपने घर में रखा, फोटो रखा साथ में माँ का पद मिलता है, अगर वो पद आपने रखा है तो माँ के पद को रोज नित्य पहले गुलाब जल से धोइएगा और फिर उसमें अलता दीजिएगा। ठीक है, अलता से उसको भर देना है, और अगर आपके घर में तांत्रिक पूजा होती है तो फिर उसमें कारण दीजिएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप इस मंत्र का 108 जाप रोज करिएगा, सिर्फ 108 जाप करिएगा। नवरात्र के अंतिम दिन 10वें दिन दशांश हवन कीजिएगा, ये 10 विद्या आपकी सिद्ध हो जाएगी। मतलब ऐसे तो 10 विद्या सिद्ध करने का बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है माँ तारा का। जो अगर आप 10 विद्या नहीं कर सकते हैं तो एक और मंत्र है जो कि 1100 आपको जाप पूरे नवरात्र करना पड़ेगा, और वो मंत्र तारा का मसानी बनने के पहले का है। मंत्र है, ओम मने हुम फट, ओम मने हुम फट, ओम मने हुम फट जाप कीजिए, उससे भी आपको उतना ही लाभ होगा और प्रयोग भी आप उतना ही कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। मेरा किताब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या अमेजन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील किसी से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है
तो आप कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, और कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करके उसमें रुद्रनाथ सर्च करिएगा तो आपको मैं मिल जाऊंगा। अगर कुछ बहुत अर्जेंसी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, साधना ही नहीं पूछेगा। अगर कुछ बहुत अर्जेंसी हो तो 9431188585। आज के लिए इतना ही, आप सभी को अलग आदेश, माता रानी को सुरक्षित रखे और सिद्धि।